हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज की अपडेट क्या है कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है पूरी तरह से क्या हो चुका है, क्रैश हो चुका है। ऐसा क्या हुआ जो क्रैश हुआ और बीजेपी के जीतने के बाद क्रैश हुआ या उससे पहले हुआ, एक एक करके सारी बताएंगे। इलेक्शन के बीच में और जो स्टॉक मार्केट है उसके बीच में ऐसा क्या रिलेशन है, जो हमारे इन्वेस्टर है उनका लगभग 38 लाख करोड़ रुपए पूरी तरह से डूब चुका है। तो एक एक करके बात बताएंगे क्या हुआ, क्योंकि इतना बड़ा लॉस हुआ है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना सर पकड़ लिया है पूरी तरह से कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ। सारी डिटेल बताएंगे एक एक करके। हमारा सबसे पहले ये अपडेट, ये हमारा टेलीग्राम है, इसका स्कैन कोड है, आप इसको स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो यूट्यूब के पेज पर जाकर, अबाउट में जाकर, वहां पर लिंक दिया होता है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, इंस्टा का, सभी का, आप वहां पर पूरी तरह से हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो चलते हैं अपने न्यूज पर। तो आप देख सकते हो 29 मिनट पहले की ही न्यूज है इंडिया टुडे की, वही मेन से बड़े बड़े न्यूज पेपर है, टाइम ऑफ इंडिया, सभी ने इसको कवर किया है अच्छी तरह से। जो स्टॉक मार्केट है, जो सेंसेक्स है, वो कितना डाउन चला गया है आप देख सकते हो, 4000 पॉइंट डाउन चला गया है। वहीं निफ्टी की बात करें तो लगभग 22000 पॉइंट नीचे जा चुका है पूरी तरह से, आप देख सकते हो पूरी तरह से। व्हाई इंडिया स्टॉक मार्केट फॉलिंग टुडे, एक एक करके बताएंगे ऐसा क्या हुआ कि ये सारी की सारी मार्केट, स्टॉक मार्केट पूरी तरह से डाउन हो चुकी है, क्यों हुई, सारी अपडेट बताएंगे। चाहे बीएससी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, सभी पर इफेक्ट आया है, चाहे निफ्टी हो। आप यहां पर भी देख सकते हो जो स्टॉक मार्केट है वहां पर इन्वेस्टर का लगभग 38 लाख करोड़ रुपए डूब चुका है, वो भी इलेक्शन के दौरान। ऐसा क्या हुआ, क्यों एग्जिट पोल के दौरान इन्वेस्ट किया गया था, अब डूब चुका है, एक एक करके सारी बात बताएंगे। हर न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया कि 38 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टरों का डूबा है शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर। आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि एकदम मंडे के दिन बड़ी तेजी के साथ स्टॉक मार्केट एकदम ऊपर गई थी, क्योंकि ऊपर जब गई थी उस समय अंदाजा लगाइए कि लगभग 5 ट्रिलियन की बात हो चुकी थी, कि हमारी स्टॉक मार्केट, हमारी शेयर मार्केट ने, बीएससी ने 5 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर लिया है। ये खबर तक सामने आ रही थी कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पहली बार, इतना बड़ा पॉइंट पहली बार पार किया हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर। आप यहां पर देख सकते हो एक दिन पहले, यानी ये मंडे की न्यूज है, कि स्टॉक मार्केट टुडे पूरी तरह से आप देख सकते हो हिट ऑल टाइम, पूरी तरह से हिट ऑल टाइम रही हाई, एकदम एग्जिट पोल आए थे तब की बात है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो रिकॉर्ड हाई लाइकली और निफ्टी बैंक, निफ्टी मंडे इफ गैप अपकमिंग है। आप यहाँ पे अंदाजा लगाइए, जो हमारी शेयर मार्केट है पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ हाई ऊपर चली गई थी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि एकदम नीचे आ गई। तो आप यहां पर अंदाजा लगाइए, सबसे पहले एग्जिट पोल आए थे, अब एग्जिट पोल जब कवर किए गए थे, हर न्यूज ने अपने अपने दिखाए थे, जो एनडीए है यानी यहां पर बीजेपी है और ये इंडी गठबंधन है, हर न्यूज चैनल ने जो एग्जिट पोल दिखाए थे यहाँ पे अंदाजा लगाइए 361-400 के बीच में, मतलब जितने भी एग्जिट पोल आए सभी में बीजेपी 350 से ऊपर थी, अब सभी में बीजेपी 350 से ऊपर। आप यहां पे सभी के देख लीजिए एग्जिट पोल 385, 371, 358, 389, मतलब सभी में 350 से ऊपर है, जबकि यहां पर तो आप लोग देख सकते हो 400 भी पार कर दिया था। वहीं इंडी गठबंधन की बात करें तो लगभग कितने 150 के आसपास, 131 से, 166, 152 से, 182, सभी ने ये अंदाजा लगाया था और ये अदर के हो गए। जब सबको पता पड़ेगी अच्छी तरह से जो एग्जिट पोल है वो किसके फेवर में जा रहे हैं, वो बीजेपी यानी एनडीए के फेवर में जा रहे हैं, अब वो एनडीए के फेवर में जा रहे हैं यानी मोदी जी के फेवर में जा रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ी तेजी के साथ जो इन्वेस्टर है उन्होंने पैसा अपना इन्वेस्ट किया। जब वहां पे पैसा इन्वेस्ट किया काफी ज्यादा, जो हमारी निफ्टी स्टॉक मार्केट यानी बीएससी, चाहे बॉम्बे स्टॉक मार्केट हो या एनएससी हो, वो बड़ी तेजी के साथ एकदम हाई ऊपर चली गई। जब वो ऊपर चली गई उसके बाद क्या हुआ, जो लोकसभा इलेक्शन 2024 का रिजल्ट का दिन आया, तो आप यहाँ पे अंदाजा लगाइए, जो बहुमत का आंकड़ा होता है 272 होता है, टोटल सीट कितनी है 553। अब बीजेपी को जो बताया गया, ये ध्यान देना, ये जो टाइम है, टाइम देख सकते हो यहाँ पर, ये लगभग 10:45 का, सुबह 10:45 का टाइम है, यानी जब उस समय 11 नहीं बजे थे उस समय तक, तो बीजेपी को लगभग कितनी सीट मिली यहाँ पे, 303 सीट मिली है, कांग्रेस को 216 और यहाँ पे 23। अभी तक यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था, सबको पता थी हाँ बीजेपी बहुमत में आ चुकी है, 272 पार कर लिया उसने, लेकिन इसके बाद में बीजेपी लास्ट 307 सीट तक गई, उसके बाद में ये धीरे धीरे नीचे आने लगी। अब जब ये धीरे धीरे आने लगी तो 12 बजे के बाद बीजेपी ऊपर गई ही नहीं, ये नीचे आई, उसको 300 का आंकड़ा पार करना भी भारी पड़ गया। अब जब भारी पड़ गया उसका 300 का आंकड़ा पार करना, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो न्यूज चैनल है, लगभग अब जो सीट आ रही है बीजेपी की वो 290
और 300 के बीच में ही आते हुए कवर हो रही है। जितने भी न्यूज चैनल ने सभी ने यही दिखाया है कि बीजेपी की जो सीट है 290 और 300 के बीच में ही आएंगी, क्योंकि बीजेपी 12 बजे के बाद 300 का आंकड़ा पार ही नहीं कर पाई। जब नहीं कर पाई तो जो इन्वेस्टर है अब उनको डाउट हो गया कि बीजेपी जीतेगी भी या नहीं जीतेगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, जब उनको डाउट हो जाता है, जो पीएसयू यानी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती है, चाहे पीएफसी हो, आरईसी हो या और भी हो, सभी में क्या हुआ, 25% का फॉल डाउन देखा गया। और निफ्टी में भी देख सकते हो, 2 महीने के निचले स्तर पर एकदम आ गई निफ्टी भी। आप यहां पे देख सकते हो, ये अंदाजा क्यों लगाया, क्योंकि सबको डाउट हो गया, अनिश्चितता सब में आ गई कि बीजेपी मेजोरिटी में आएगी भी या नहीं आएगी। इसलिए धीरे धीरे स्टॉक मार्केट डाउन होने लगी। जब स्टॉक मार्केट डाउन हो गई, क्योंकि सबको डाउट हो गया कि 272 का जो आंकड़ा होता है वो बीजेपी पार करेगी या नहीं करेगी, यानी मेजोरिटी में आएगी या नहीं आएगी, सबको डाउट हो गया। और सबको डाउट हो गया, सबने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। और जब सबने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो पीएसयू है उसके अंदर, चाहे पीएफसी हो यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो, या आरईसी हो यानी रूरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन हो, सभी में क्या हुआ, धीरे धीरे 25% का डाउन होने लगा। सभी धीरे धीरे डाउन होने लगी, नीचे जाने लगी। यदि पीएफसी की बात करें, यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें, पहले इसके पॉइंट कितने थे, 554 के आसपास थे मंडे के दिन जब ये क्लोज हुआ। लेकिन क्या हुआ, जब ट्यूजडे के दिन खुला तो धीरे धीरे डाउन होने लगा और अपने निचले स्तर पे आने लगा, तो कितने पॉइंट पर पहुंच गया, 416 पर। वहीं आरईसी की बात करें, यानी रूरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन की बात करें, तो ये जब मंडे के दिन बंद हुआ था तो 607 पॉइंट पर बंद हुआ था। उसके बाद ये भी नीचे आने लगा और कहां पहुंच गया, 450 पॉइंट पर पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो इन्वेस्टरों ने इन्वेस्ट किया था वो धीरे धीरे पैसा निकालने लगे, पॉइंट नीचे जाने लगे, क्योंकि सबको डाउट हो गया पूरी तरह से कि बीजेपी आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि सबको उम्मीद थी, जब बीजेपी आएगी तो डेवलपमेंट का कार्य बड़ी तेजी के साथ शुरू होगा, शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन जब डाउट होने लगा इस चीज का कि बीजेपी आ भी सकती है नहीं आ सकती, तो सभी ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो इरकॉन इंटरनेशनल है उसमें भी 15% की गिरावट देखी गई है पूरी तरह से। जो पीएसयू है, चाहे वो मझगांव डॉक हो या कोची शिपयार्ड हो या भारत डायनेमिक हो, सभी में लगभग 15% की यहाँ पर वैल्यू का लॉस हुआ है, 15% की गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। अब क्या हुआ, जब दर्ज की गई तो देखते ही देखते शेयर मार्केट क्या होने लगी, बड़ी तेजी के साथ डाउन होने लगी, क्योंकि सबको डाउट हो गया कि बीजेपी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। क्योंकि सबको उम्मीद थी कि बीजेपी आएगी तो इन्वेस्ट का कार्य बड़ी तेजी के साथ चलेगा, लेकिन नहीं आई तो सबने अपना माथा पकड़ लिया पूरी तरह से कि बीजेपी नहीं आएगी, सब में डाउट हो गया और शेयर मार्केट धीरे धीरे बड़ी तेजी के साथ डाउन जाने लगी और इन्वेस्टर्स का 38 लाख करोड़ पैसा डूब गया, उनका लॉस हो गया पूरी तरह से। तो सभी ने अपना माथा पकड़ लिया कि अब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हालांकि बीजेपी अभी बहुमत के आंकड़े को पार की हुई है, वो बहुमत के आंकड़ा पार कर चुके हैं और बीजेपी ही जीत रही है, आप अंदाजा लगा सकते हो इस चीज से। लेकिन क्या हुआ, सभी में डाउट हुआ, अनिश्चितता का माहौल हुआ और इन्वेस्टरों को लॉस होने लगा, क्योंकि शेयर मार्केट लॉस जाने लगी, क्योंकि इन्वेस्टरों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। तो हमारी अपडेट यहीं तक थी, आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना, इसको शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।